everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video we are going to talk about OneTo function. In previous video we have talked about OneToOne function and we have checked one of the recent year questions from GATE. So now in this video lecture we will see how OneTo functions is going to be implemented and what is the total number of possible functions that we need to implement using OneTo function. The first point is OneTo function is also known as what? Surjective function. Next thing is every element of set B is mapped by at least one element of set A. So basically we can say this is the reverse of OneToOne function. बट आप रिवर्स का मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कि आई एम टेलिंग अब मैं अपने से कुछ बना रही हूँ. नो, आप सिंपली ये समझिए इन प्रीवियस फंक्शन व्हाट वी वर डूइंग इज कि हम मैपिंग देख रहे थे ए से बी की तरफ. In this OneTo function, we will see the mapping from B to A. So let us see how this going to be happen is. Suppose I have taken this function. तो आप सबसे पहले मुझे वीडियो को पॉज करके जितने भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, what you need to do is कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालने हैं एंड इस तरीके से मैपिंग करना है जिसमें सर्टेन वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी एंड यू नीड टू चेक whether it is a function OneToOne और OneTo function. तो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में होना चाहिए वेदर क्वेश्चन में ये पूछा हो OneToOne और OneTo function. इट मस्ट होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन. करेक्ट, वो एक फंक्शन तो होना ही चाहिए. तो व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन? अगर आपको नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखें बिकॉज फंक्शन में हमने ये देखा था वॉट एवर LHS में जितने नंबर ऑफ आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स का मैपिंग प्रेजेंट होना चाहिए और जो आपका OneToOne होना चाहिए मतलब यूनिक होना चाहिए. अब आप देखो यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है. दिस इज द केस वन. आप ये समझिए दिस इज केस वन. करेक्ट, इन दिस केस वन ईच एंड एवरी एलिमेंट इज यूनिकली मैप्ड. तो ये आपका फंक्शन भी होगा, ये आपका OneToOne होगा एंड दिस विल OneTo ऑल्सो. वाई? बिकॉज फंक्शन ये बोलता है कि आपका LHS में ईच वैल्यूज का मैपिंग होना चाहिए, वो प्रेजेंट है. OneToOne क्या बोलता है? यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, वो भी है. यूनिक मैपिंग फ्रॉम LHS टू RHS. और आपका OneTo क्या बोलता है? सेट बी का एवरी एलिमेंट एटलीस्ट सेट ए से मैपिंग होना चाहिए. तो लेट अस सी ए बी सी सबका एक एक मैपिंग है. एटलीस्ट मीन्स एक या एक से ज्यादा. तो यहाँ पे एक एक मैपिंग है. हिंस जो आपका केस वन है वो फंक्शन भी है, OneToOne भी है और OneTo भी है. तो दिस वाज द थिंग. इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. नाउ लेट अस सी दिस केस टू. करेक्ट, अगेन दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. अब वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस अ फंक्शन? नो. व्हाई? बिकॉज लेट अस सी ए का मैपिंग 1 के साथ है और ए का मैपिंग 2 के साथ है. तो हमने ऑलरेडी फंक्शंस में इस चीज को डिक्लेयर किया है. यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन की वैल्यूज आ रही है. ए किसके थ्रू मैप है ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. हिंस दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट OneToOne फंक्शन. व्हाई? बिकॉज ए के पास यूनिक मैपिंग बी के साथ नहीं है. ए 1 से भी मैप है, ए 2 से भी मैप है. हिंस OneToOne होने के लिए आपका OneToOne मैपिंग होना चाहिए, यूनिक मैपिंग होना चाहिए. क्या ये OneTo है? तो दिस इज OneTo. व्हाई OneTo? बिकॉज OneTo ये बोलता है कि जो सेट बी है सेट बी का एवरी एलिमेंट मस्ट बी मैप एटलीस्ट. तो यहाँ पे जो आप देखो 1 और 2 है. करेक्ट, ये जो 1 और 2 है इसकी मैपिंग दोनों के साथ एक ही मैपिंग है. मतलब 1 का ए के साथ और 2 का ए के साथ एंड 3 का बी के साथ. तो देयर इज नो वायोलेशन. हेंस दिस इज OneToOne. आई होप यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन प्रॉपरली सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो. करेक्ट, सो दिस इज अबाउट केस 3 एंड दिस इज केस 2. सॉरी, दिस इज केस 3. लेट अस सी केस 3. केस 3 में हमने सेम डायग्राम लिया बट सी हियर जो 1 है क्या 1 का मैपिंग प्रेजेंट है? नो. व्हाई? Because definition is telling every element of set B is mapped by at least one element. So in set B, this is set B and this is set A. Correct? In set B, we have a single element like 1 which is not mapped with any element. Hence, this is not OneTo. Correct? And this is again, क्या ये function है? ये function है. क्यों function है? बिकॉज आप देखो ए का मैपिंग 2 के साथ है, बी का मैपिंग 2 के साथ है. दिस बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स. इसलिए ये फंक्शन है. क्या OneToOne है? तो OneToOne ए भी आपका 2 के साथ है, बी भी 2 के साथ है, करेक्ट। ये वन टू वन मैपिंग, ये वन टू वन मैपिंग भी क्यों? क्योंकि जो LHS की वैल्यू है वो यूनिकली मैप हो रही है। ए आपका 2 से मैप हो रहा है और बी इज द अनदर एलिमेंट। आपको इससे नहीं कंफ्यूजन होना कि दोनों एक एलिमेंट को मैप हो रहा है, नो। द थिंग इज जो आपका LHS सेट ए में जो एलिमेंट है उसका 1 to 1 यूनिक मैपिंग होना चाहिए। तो ए का 2 से मैपिंग और बी का 2 से मैपिंग, हिंस यू नीड टू ट्राई सो मेनी क्वेश्चन सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। So this was the 3 cases. Now let us see जिस तरीके से हमने 1 to 1 में ये फॉर्मूला देखा था कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए शुड बी लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी, तो दैट वाज द ट्रिक टू सॉल्व अ क्वेश्चन। सिमिलरली इफ यू नीड टू चेक द ऑनटू फंक्शन देन दिस इज द ट्रिक। ट्रिक इज व्हाट? कार्डिनैलिटी ऑफ बी शुड बी लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए, लाइक दिस वन। अभी आप देखो इसकी कार्डिनैलिटी 2 है, इसकी कार्डिनैलिटी 3 है, करेक्ट। अगर मैं मैपिंग करने जाऊंगी तो अगर मैं 1 to 1 की मैपिंग कर रही हूँ, फिर भी सेट बी के, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए, इसके सारे एलिमेंट की मैपिंग हो रही है। अगर मैं बी को यहाँ पे फिर से भी मैपिंग कर दूं तो इसका 1 से ज्यादा मैपिंग हो रहा है, एंड दिस इज अलाउड इन 1 to 1 बिकॉज 1 to 1 इज वॉट टेलिंग एटलीस्ट, मतलब एक या एक से ज्यादा भी आप सेट बी के एलिमेंट को मैप कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑनटू फंक्शन। नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, करेक्ट। तो इसका फॉर्मूला आपको ये somehow if you will see, तो this is a complex formula, आपको देखने में ये complex formula लगेगा, but आप इसको rote learn नहीं करिए because in next subsequent video I will be discussing question on this formula. Basically आप ये ध्यान में रखिए, जो हमने 1-1 पढ़ा था, 1-1 में हमने देखा था total number of set B का permutation सेट ए के साथ, करेक्ट। तो इन दिस फॉर्मूला वी आर चेकिंग द कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस मीन्स कि आप ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल थे, जो सेट बी है, सेट बी का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बाय सेट ए का। तो हमने वो फंक्शंस को देखा है, तो बेसिकली ऑनटू फंक्शंस में इन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, करेक्ट। और एज वी नो कि फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होता है उसमें सिंपली आपको ऑल्टरनेट में माइनस प्लस है, और जैसे हम फैक्टोरियल में 1 1 1 माइनस करके जाते हैं और 1 तक रीच होते हैं, सिमिलरली ये फॉर्मूला है। सो लेट अस सी इन द सब्सिक्वेंट वीडियो कि किस तरीके से क्वेश्चंस इस पे प्रीवियस ईयर में पूछे गए। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इट्स टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग सच वीडियोज। सो आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड सर्किल में भी बोले, सो दैट कि और नेक्स्ट थिंग इज कि इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियोज और प्रीवियस वीडियो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड मी फीडबैक देन हाउ आई विल केम टू नो कि वेदर माई लेसन्स आर फ्रूटफुल टू यू। सो विद दिस वर्ड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे वाइंड अप करूंगी। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।